माइनक्राफ्ट में सीडर एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे वर्ल्ड को कुछ हद तक रियलिस्टिक बना देता है, पर जिनके पास अच्छा पीसी और लैपटॉप नहीं है वो कैसे सीडर रन करे। तो मैं आज कुछ ऐसा सीडर डाउनलोड और रन करके दिखाने वाला हूँ जो कि लो एंड पीसी या लैपटॉप में भी चल जाता है, काम चलाओ काफ़ी कार्ड है वो उसमें भी चल जाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना और स्टेप्स को फॉलो करते रहना है। अगर आप ओरिजिनल माइनक्राफ्ट खेलते हैं, मतलब पेड वर्जन, कोई क्रैक्ड वर्जन नहीं है, तो आपको सिंपली एक चीज़ डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए मैं तो ये टी लॉन्चर में खेलता हूँ क्रैक्ड वर्जन। तो सब सिंपली आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है ऑप्टिफाइन। तो ये देखो आ गया है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये ऐसा पेज खुल जाएगा। तो आपको डाउनलोड्स में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सारे वर्जन्स। तो आप रिसेंट वर्जन है 1.17, तो आप जिस भी वर्जन में खेलते हैं तो ये सब यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपको डाउनलोड कैसे करना है, आपको यहाँ पे सिंपली, मैं अगर मान लूँ मैं 1.16.4 में खेलता हूँ, तो ये मिरर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे दिखा देगा डाउनलोड। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली डाउनलोड कर सकता था, पर अभी मैं नहीं करूँगा। आप अगर ओरिजिनल माइनक्राफ्ट खेलते तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी सबसे पहले तो टी लॉन्चर ओपन कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा वक्त लगेगा ओपन होने में। तो ये टी लॉन्चर ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे दिख जाएगा मैं एक वर्जन सिलेक्ट करके रखा हूँ ऑप्टिफाइन 1.16.4, ठीक है। तो इसी वर्जन में हमको, आप अगर जिस भी वर्जन में खेलना चाहते हो उसका ऑप्टिफाइन आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। जिस वर्जन में भी आप चाहते हो खेलना या खेल रहे हो उसका ऑप्टिफाइन वर्जन डाउनलोड कर लो, फिर आपको ये सेडर काम कर जाएंगे। तो पहला सेडर जो है वो है चौका पिक। तो ये आपको चौका पिक सेडर्स पहले दिख जाएंगे। तो आप पहले लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, पर मैं ये सेकंड लिंक रेकमेंड करूँगा, यहाँ से मेरे को इजी होता है। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा चौका पिक सेडर्स। और अगर आपके पास कोई भी काम चलाओ ग्राफिक्स कार्ड है, जैसे कि AMD इंटेल हो गया, ऐसा कोई ग्राफिक्स कार्ड है तो ये आराम से चल जाएगा। तो मैं आपको पहले ये फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो ये है चौको पिक का एक्सट्रीम का फ़ोटो, और नेक्स्ट का जो है तो ये भी एक्सट्रीम का है 7.1 का, और ये है V8 अल्ट्रा का। अगर आपका लैपटॉप या PC ये सपोर्ट करता है तब भी ये आप डाउनलोड करो, वरना आपके लिए मैं ये लो वाला जो है वो डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है, यहाँ पे आपको कुछ डाउनलोड्स लिंक्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे है डाउनलोड्स लिंक्स, तो मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। तो इसके साइड में लिखा हुआ आ रहा है एक्सट्रीम 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 ओनली अल्ट्रा। तो आपको जो भी वर्जन यहाँ पे चाहिए होगा वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं जो करने वाला हूँ तो वो मैं मेरे लैपटॉप के लिए करने वाला हूँ, तो मेरे को बहुत लो वाला चाहिए। तो एक इस नीचे वाले लिंक में सब एक ही लिंक में है, वो है एक्सट्रीम अल्ट्रा हाई मीडियम लो एंड लाइट। तो मेरे को चाहिए सबसे लो वाला, तो इस लिंक के अंदर, इस दोनों लिंक में अंदर ये लो वाला है। तो मैं ये नीचे वाला लो लिंक क्लिक कर लेता हूँ। तो इसमें आपको सिंपली दिख जाएगा ये डाउनलोड हो गया है मेरा। तो अभी हम नेक्स्ट जो सेडर है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो सेडर है वो है हमारा सिल्डर वाइब्रेंट सेडर, ठीक है। तो नेक्स्ट सेडर है सिल्डर वाइब्रेंट सेडर, ये भी लो एंड PC या लैपटॉप्स के लिए है, ये भी बहुत बढ़िया रन करता है। तो मैं भी ये सेकंड लिंक रेकमेंड करूँगा आपके लिए, ये पहले लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सिंपली दिख जाएगा डाउनलोड लिंक्स यहाँ पे भी, और ये देखो यहाँ पे फोटोज़ भी है। इसमें क्या होता है, इसमें एक चेंजेस जो है, इसमें लाइट बहुत बढ़िया है, ये सन जो है इसका लाइट बहुत बढ़िया पड़ता है इस वाले सेडर में। आपके PC है, ये पानी भी ठीक ठाक है, आपके लैपटॉप है अगर PC है तो इसमें भी आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारा वर्जन देखने को मिल जाता है, लाइट मीडियम हाई एक्सट्रीम ऐसे करके बहुत सारे मिल जाते हैं। आपको जो चाहिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पर मैं वो सेकंड साइट से डाउनलोड करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ से मेरे को आसान होता है। तो मैं यहाँ पे भी नीचे चले जाऊँगा और अभी मैं सबसे नीचे जाऊँगा और नीचे इसका भी लिंक मिलेंगे हमको। तो ये रहा,
वाइब्रेंट शेडर्स, तो ये इसका जो पहला लिंक है वो लाइट का है, तो ये मैं डाउनलोड करने वाला हूँ अभी। तो ये डाउनलोड में क्लिक किया और यहाँ पे एक zip फाइल मिल गया हमको, तो ये डाउनलोड मैं कर लेता हूँ अभी। ये आपको ऐड आ रही, इसको कट कर देना है और ये देखो डाउनलोड हो गया मेरा। बहुत कम KB का होता है, MB भी नहीं होता है, MB में भी नहीं होता है। अभी नेक्स्ट शेडर जो हमारा आता है वो है बियॉन्ड बिलीफ शेडर्स। ये थोड़ा हेवी है, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा लैपटॉप या लो एंड PC के लिए, पर ये बहुत बढ़िया है। ये भी मैं आपको रन करके दिखाने वाला हूँ, तो ये आपको लिंक क्लिक करते ही ऐसा कुछ दिख जाएगा। तो मैं इसके कुछ फ़ोटोज़ आपको पहले दिखा देता हूँ, ये बहुत बढ़िया वाला है। तो ये इमेजेस थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ इसके। ये थोड़ा हेवी है, आपके लैपटॉप या PC में बहुत अच्छी तरह से रन ना करे, कर भी सकता है ना रन अगर आपका कर जाए तो बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया है, तो इसके आप देख सकते हो, इसके कुछ अलग ही चीज़ है। ये नाइट भी डे भी इसका बहुत अच्छा है। तो इसको आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली फाइल में क्लिक करना है और यहाँ पे एक जिस भी वर्जन में आप खेलते हो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं ये लेटेस्ट अपडेट जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ, 1.16.4 के लिए है ये, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये सेकेंड ख़त्म होंगे और यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो डाउनलोड हो गया है, 484 KB ओनली। तो हमारा जो नेक्स्ट शेडर है वो है सीयूस रिन्यूड। तो ये शेडर थोड़ा हेवी है, आपके पास अगर अच्छा लैपटॉप या अच्छा PC है तभी आप इसको डाउनलोड कर कीजिए, ये बेस्ट है मेरी तरफ से। मैं अगर बताऊँ आपको ये बेस्ट है, पर ये थोड़ा हेवी है, मैं ये डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये मेरे लैपटॉप पर नहीं चलने वाला, तो मैं ये नहीं डाउनलोड करूँगा। अगर आपके पास अच्छा है तो आप बिल्कुल कीजिए। तो मैं ये अभी सब इसको बंद करने वाला हूँ। और मेरा जो लास्ट है वो है नॉस्टैल्जिया। ये अजीब सा थोड़ा नाम है, पर लो एंड PC या लो एंड लैपटॉप के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तो आपको सिंपली फास्ट लिंक में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये ऐसा पेज खुल जाएगा और यहाँ पे फाइल्स में जाके जो भी वर्जन आप खेलते हो उसको डाउनलोड कर लीजिए। पर ऑनेस्टली बताओ ये मेरे लैपटॉप में नहीं चलता है, फिर भी मैं आपको ये रन करके दिखाऊंगा कि कैसा होता है। मेरे लैपटॉप में नहीं चलता, पर इसके जो क्लाउड्स है ये बहुत अमेजिंग दिखता है। इसके आप फोटोज़ देख सकते हो, इसके क्लाउड बहुत ही अमेजिंग दिखता है और इसका जो पानी है ये वो तो अलग लेवल दिखता है पानी इसका। तो ये नॉस्टैल्जिया भी बहुत बढ़िया है और इसके जो सनशाइन आ रहा है ये आप देख सकते हो कितना बढ़िया है। आपको जैसा फ़ोटो में दिख रहा है वैसा ही आपको गेम में दिख जाएगा। तो आप जो भी वर्जन खेलते हो वो डाउनलोड कर लीजिए, मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ अभी। यहाँ पे आपको सारे वर्जन्स और ये अवेलेबल दिख जाएंगे। तो सिंपली मैं ये ऊपर वाला अभी 1.16.5 के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं अभी 1.16.4 खेलता हूँ, तो इसके अंदर ये तो नहीं रन करने वाला। तो अभी तो ये डाउनलोड हो चुका है सभी जो शेडर्स है, अभी इनको इंस्टॉल करने की बारी है। तो ये देखो सभी सीडर्स हमको डाउनलोड हो चुका है हमारे, और अभी हमको जाना है डाउनलोड्स में। तो ये अरे यार, तो ये डाउनलोड्स में जाएंगे तो ये देखो नॉस्टैल्जिया, बियॉन्ड बिलीफ और सिल्डर वाइब्रेंट और चोकापिक, ये सभी फाइल जिप्ड है। तो इसको पहले एक एक करके अनजिप करना पड़ेगा, एक्सेप्ट ऑल कर दो, यहाँ पर अनजिप हो जाएगा। पहले तो आप सबको अनजिप कर लो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। तो पहला हो गया है अनजिप, और नेक्स्ट जो करना है हमको, ये देखो अनजिप वाला फाइल, नेक्स्ट जो करना है हमको बिलीफ बियॉन्ड भी यहाँ पे अनजिप कर लेते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे अनजिप कर लो, वरना ये काम नहीं करता, अनजिप करना पड़ेगा आपको इसको। वहाँ पे लिंक तो आपको दिखाई देता है कि इसको अनजिप कर लो, कुछ कुछ लिंक में अनजिप नहीं भी करना होता है। तो ये भी मैं अनजिप कर लेता हूँ, अभी अनजिप हो गया है। तो ये चोकापिक का एक चीज़ है, पहले आपको ये अनजिप करने जाओ, आपको एक इसके अंदर ले जाएगा। इसके अंदर देखो कितने सारे जिप्ड फाइल है, आपको जो चाहिए लाइट लो एक्सट्रीम हाई अल्ट्रा जो भी चाहिए आप उसको अनजिप कर लो पहले। मेरे को चाहिए लो क्योंकि मेरे लैपटॉप में चलता नहीं है, ये लो मैं कर लेता हूँ अभी। तो ये लो मैं अनजिप कर लिया है और अभी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अरे यार, तो ये नीचे वाला फोल्डर देखते हो अनजिप हो गया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी। कॉपी करके इसको कट करके जहाँ पे मैंने सबको अनजिप किया है पे वहाँ पे जाके ये पेस्ट कर दूंगा मैं।
तो यहाँ पे सिंपली जाकर पेस्ट कर दो। तो ये काम तो हो गया, चारों अनजिप हो गया है अभी, और इसको सभी को सिलेक्ट करके कॉपी कर लो। ये हो गया आपका पहला काम। अभी आपको डालना है सेडर अपने टी लॉन्चर के फोल्डर में। ये टी लॉन्चर खोल लिया आपने, तो इस फोल्डर के थ्रू आपके यहाँ पे आ जाएंगे आप इस फोल्डर में। ये देखो यहाँ पे एक फोल्डर, तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक फोल्डर होता है सेडर पैक्स, ये देखो खाली पड़ा है हमारा। तो अभी आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है, बस हो गया आपका काम। तो ये देखो पेस्ट हो रहा है, मैं जो भी कॉपी करके लाया था, तो ये देखो पाँच या चार जो भी फाइल है मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो अभी जो करना है, मैं अपना सर्वर ऑन कर लेता हूँ। मैं आपको बताना भूल गया कि ये मैं सर्वर के लिए कर रहा हूँ। कोई भी आपके अगर मल्टीप्लेयर सर्वर में खेलते हैं वाटर नोस में, तो वहाँ पर भी ये बढ़िया काम करेगा। अगर आप सिंगल प्लेयर में खेलते हो वहाँ पर भी बढ़िया काम करेगा। तो ये मेरा गेम ओपन हो गया है। अभी हमको नेक्स्ट जो करना है वो है ऑप्शन पर जाना है। ये दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन में जाकर वीडियो सेटिंग्स, ये देखो तीनों ऑप्शन ये उधर इनेबल हो गया है, सेडर डिटेल्स और एनिमेशंस। तो सेडर पे जाके देखो सारे जो है, जो भी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया था, चारों सेडर यहाँ पे आ गया है। तो ये चोकोपिक 13v6 लो मेरा सिलेक्टेड है। मैं इसको पहले ऑफ करता हूँ। मैं पहले आपको सभी को ऑफ करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे पास अभी कोई सेडर नहीं है, मैं सबको ऑफ कर दिया है, कोई सेडर मेरा सिलेक्टेड नहीं है। ये देखो ऑफ है पूरा। मैं डन करता हूँ और मैं जाता हूँ मल्टीप्लेयर में। तो मेरा ये सर्वर ऑन हो रहा है, ये सर्वर ऑन हो गया है। अभी मैं ज्वाइन करता हूँ वर्ल्ड को। तो अभी मैं आ गया हूँ हमारे वर्ल्ड में। ये देख सकते हो कोई सेडर पिक नहीं है, ये डिफॉल्ट होता है। तो आपको अभी क्या करना है, जो मैं करने जा रहा हूँ, ये देखो ऑप्शन में जाना है, वीडियो सेटिंग में जाना है, सेडर्स में जाना है, और एक सेडर को मैं इनेबल करने वाला हूँ, वो है चौका पिक। तो ये देखो वर्ल्ड मेरा हो रहा है रेंडर। ये देखो चौका पिक सिलेक्ट हो गया है, डन करो और बैक टू द गेम। तो ये देखो भाई, पहले था नॉर्मल और ये हो गया सेडर लगाने के बाद। तो ये है चौका पिक, ये बहुत अच्छी तरह से रन करता है मेरे लैपटॉप में भी। मेरे पास 4GB रैम है और काफ़ी कर्स ना के बराबर। ये देखो पत्ते भी हिल रहे हैं, कितना रियलिस्टिक लग रहा है, बहुत बढ़िया। और मेरा जो साया है वो भी पड़ रहा है, मतलब सभी शैडोज ये गिर रहा है। ये देखो पत्ते कितने बढ़िया लगते हैं ना। ये देखो घास भी हिल रहा है, बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको अभी पानी दिखा देता हूँ। तो मेरा पर्सनल अगर फेवरेट बोलोगे तो ये चौका पीक है, बहुत बढ़िया है। तो इसका पानी का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने लो किया है, लो इंस्टॉल किया है, मतलब लो सेडर लगाया है। तो इतना बढ़िया तो नहीं है, पर आपके पास अगर लैपटॉप है, लो एंड पीसी है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। ये हमारा कासिल जो बन रहा है ऊपर आसमान में फ्लाइंग। तो ये तो सभी जगह बहुत कूल दिख रहा है अभी। और ये पानी देख सकते हो, ये पेड़ देख सकते हो, और ये हमारे सब्जियां जो है बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और सन आप बहुत ही ब्राइट है। इसका नाइट देखो आप, ये देखो इसका नाइट, इसका टॉर्चेस और इसका नाइट उतना अच्छा नहीं है जितना नेक्स्ट वाले में है, नेक्स्ट का जितना अच्छा है। तो ये पेड़ में जो लाइट है वो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। इसमें थोड़ा अंधेरा ज़्यादा है, और स्टार्स जो है वो भी छोटा सा है, मतलब छोटा छोटा दिखता है स्टार्स। पर ये आप अगर चलाना चाहते हो तो ये मेरे तरफ से ये तो बेस्ट है। अगर आप लो एंड पीसी है लैपटॉप में चलाना चाहते हो तो ये तो मैं बताऊँगा तो ये बेस्ट है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैं करने वाला हूँ इनेबल, वो है सिल्डर। ये भी बहुत बढ़िया है, सिल्डर लाइट। तो इसको मैं अभी करता हूँ, ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखो हो गया सिलेक्ट, डन। तो अभी इसको देखो, बैक टू द गेम। मतलब इसके बस क्लाउड्स देखो, माइनक्राफ्ट में कुछ चीज़ें गोल नहीं होता, पर आप ये सन को देखो और मुझे बताओ क्या गोल नहीं होता। इसके पत्ते देखो कितने बढ़िया तरीके से हिल रहा है, और सन पूरा राउंड है, पूरा गोल है ये। और ये ब्राइट थोड़ा ज़्यादा है, मैंने जैसे कि बताया था आपको, ये थोड़ा बहुत ब्राइट है। और इसके क्लाउड्स पूरा ओरिजिनल जैसा दिखता है, मतलब पूरा रियलिस्टिक क्लाउड्स है। मतलब हमारे चारों तरफ ऐसा ही होता है ना। इसका पानी भी बहुत बढ़िया है, इसके टॉर्चेस देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। मतलब ये सेडर्स अगर आप लो एंड पीसी में यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। इसका पानी आप देख सकते हो कितना बढ़िया दिख रहा है। और मेरे को पसंद है इनका जो सन और जो नाइट का है, मतलब सन नहीं, जो डे और नाइट का है, वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। ये देखो पूरा राउंड है,
अभी तुम इसके नाइट देखो, देखते रह जाओगे बस। ये देखो इसके नाइट, ये जो चांद है मतलब क्या ही दिखते हैं। और इसके टॉर्चेस देखो, रिफ्लेक्शंस देखो, और इसके स्टार कितने बड़े बड़े दिखते हैं। ये इतना डार्क नहीं है नाइट, इसका बहुत रोशनी आता है। यहाँ पे आप चारों तरफ देख सकते हो। अगर आप वीडियो में देख रहे हो तो इतना रोशनी नहीं दिखेगा क्योंकि थोड़ा हो जाता है वो, पर मैं ये गेम में हूँ, मुझे पता चल रहा है कितना रोशनी है। चारों तरफ साफ साफ दिख रहा है। इसके टार्स देखो कैसे चमक रहे हैं, और ये लाइट भी बहुत बढ़िया आ रहा है, तो ये तो बहुत बढ़िया है। और नेक्स्ट जो मैं अप्लाई करने वाला हूँ वो, उसके लिए आप तैयार रहो। जो मेरे लैपटॉप में अच्छे से नहीं चलेगा वो है सेडर बियॉन्ड विलेप। ये थोड़ा हेवी है पर आप देखो कांप जाएगा सब, मतलब ये देखो, देख रहे हो लैग। पर इसके तुम क्लाउड्स देखो, क्या बताओगे भैया, आप बताओ, आप बताओ। इसके क्लाउड्स देखो, ये तो कुछ अलग है, कुछ अलग है ये। और इसके सन भी पूरा रियलिस्टिक है, पूरा जैसे हम देखते वैसा ही है, पर बहुत बढ़िया सेडर है ये। और इसके पानी का तो पूरा कांच जैसा है, आप नीचे तक ये देख सकते हो। और ये हमारा कासल पूरी तरीके से रेंडर ना होते हुए, मतलब क्या हाल है हमारा, समझ रहे हो ना। मैं ये फुल स्क्रीन भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये सेडर बहुत ज़्यादा हेवी है। तो इसका नाइट देखो आप, इसका नाइट में आप खुद चांद दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये इतना रियलिस्टिक है कि हमारे चारों तरफ जैसा अंधेरा होता है रात के टाइम, वो ऐसा दिखता है। अगर आपके पास थोड़ा अच्छा लैपटॉप या कंप्यूटर है तभी आप इसको इंस्टॉल कीजिए, वरना मत कीजिए। मेरा तो पूरा हिल रहा है। अगर इसका फीचर्स देखें तो ये देखो, टॉर्च में हाथ में पकड़ा हूँ और चारों तरफ रोशनी हो रहा है, मतलब ये नॉर्मल में नहीं होता है। मैं इसको लेफ्ट में पकड़ के और हाथ में ये शॉर्ट लेके मैं ये चारों तरफ घूम सकता हूँ, अंधेरे में भी जा सकता हूँ। तो ये बहुत बढ़िया है। ये चांद तो मैं, मेरे को एक बार भी नहीं दिखा, और स्टार्स भी नहीं दिख रहा है। तो ये जो है वो मैं आपको बता रहा था, ये है नॉस्टैल्जिया मेरे। तो ये 1.16.5 के लिए है, मैं 1.16.4 में रन कर रहा हूँ तो ऐसा दिख रहा है। तो इसके क्लाउड आप देख सकते हो कितने बढ़िया है। तो आपको नेक्स्ट जो करना है, आपको जो भी सेडर पसंद है वो आप इंस्टॉल करके यहाँ पे सिलेक्ट करके खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चोकापिक ही बताऊंगा आपको, और नहीं तो सेल्डर भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे को चोकापिक बहुत ज़्यादा पसंद है, और चोकापिक क्यों पसंद है क्योंकि ये स्मूथली रन करता है। मेरे लैपटॉप में भी, मतलब मेरा इतना लो हैंड है, मेरा ग्राफिक्स कार्ड ना के बराबर है, इसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी मदद मिला है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट करना मत भूलना, मैं खड़ा हूँ आपके मदद के लिए। और इस चैनल पे एक सर्वाइवल सीरीज़ भी चल रहा है माइनक्राफ्ट का, वो भी देखना मत भूलना। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, आप जाके देख सकते हो। और सर्वाइवल सीरीज़ का एक वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। और इस चैनल पे मोबाइल लेजेंड्स, रियल क्रिकेट और थोड़ा बहुत टेक भी आपको मिल जाएगा देखने। तो चैनल को सपोर्ट करते रहो, अपने भाई लोगों को सपोर्ट करते रहो। आई होप आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो टेक केयर एंड गुड बाय।